सर हमें तो पता ही है, लेकिन आज ना ऑडियंस में कुछ नवजात शिशु भी आए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि दोनों में से भतीजा कौन है, चाचा कौन है, क्योंकि आप दोनों ही भतीजे लग रहे हैं। नहीं नहीं, भतीजे ये है, चाचा मैं हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं सुबह सुबह मम्मी का फोन आया। अच्छा, फोन उठाया, बड़ी इमोशनल हो रही थी। बेटा मैं टीवी पर देख रही हूँ तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, दोनों सेम सेम लग रहे हो। As usual, आप देख सकते हैं मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। बोला अर्जुन बिल्कुल तेरे जैसे लग रहा है। मैंने बोला मम्मी सिर्फ 30 साल का फर्क है। सर कमाल है, कमाल। आप इतने सालों से राज कर रहे हैं और अर्जुन ने अभी इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही ये भी लोगों के दिलों पे छा गए हैं। सर अब तो देखिए, ये आपके चाहने वाले देखिए, भाई साहब बैठे हुए। एक तो सर ये जुड़वा वहां कैसे चला गया? जुड़वे का रोल तो अर्जुन कर रहा, ये मेरा जुड़वा यहाँ कैसे आ गया? सर आपके डुप्लीकेट बड़े हो गए, आप नहीं हो रहे बस। सर कैसे हैं आप बिल्कुल सर के जैसा स्टाइल है आपका। हाउ आर यू सर? सर इतना ही कहूंगा कि आज मैं जो कुछ हूँ सर की वजह से हूँ। इनकी मतलब ये समझ लो कि ये 1000% जो एक्टिंग करते हैं जी, इसमें से 2% कहीं गिर गई थी वही हम करते हैं और उसी से आज तक रोटी रोजी चल रही है। तो मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार देखा। तो सर की तरफ कुछ बोल के तो बताइए सर का कोई डायलॉग। फादर तेरी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, सर से पांव तलाक मास्काइश मास्काए बोले तो एकदम झकास। क्या बात है सर। और आज अर्जुन जी साथ में है जी, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं अर्जुन जी के मम्मी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था कि एक बार मैं मुझे किसी ने बुलाया शूटिंग करने के लिए, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं सोचा अनिल कपूर जी का कुछ ना कुछ पार्ट होगा। वहाँ गया तो पता चला कि वो कोई युग सीरियल कर रहे थे जी। तो उसमें उन्होंने मुझे एक क्रांतिकारी बना दिया, तो उसमें ज़्यादा पेमेंट ही था, लेकिन उस वक्त मेरी जो सिस्टर थी छोटी रानी वो बहुत बीमार थी और वो एडमिट थी और उस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो मैडम सेट पर आई, मम्मी जी इनकी, और उनको जब मैंने बताया कि मेरी सिस्टर जो है तो हॉस्पिटलाइज है और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो उन्होंने बोले कि आपको वहाँ आकर ऑफिस पे आकर चेक लेना पड़ेगा। लेकिन जब देखा उन्होंने, मैं चश्मा वश्मा लगाकर एंट्री किया, तो उन्होंने देखा कि आप अनिल जी के जूनियर करते हैं। मैंने कहा हाँ मैडम। तो उन्होंने अपने पर्स से निकाल करके मुझे 2500 रुपया दिया था और यकीन मानिए कि वो पैसों से मैंने अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल से जो है तो डिस्चार्ज कराया था, और वो पैसा वो उनके लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती है। मेरी बहन मेरी मम्मी वगैरह सब उनको बहुत दुआएं देती है, और मालिक करे जहाँ कहीं भी हो। और आपकी जो पहली फिल्म लगी थी वो गेटी में जाकर के मैंने पहला शो देखा था, सिर्फ इसलिए कि आप उनके बेटे हैं और हमारे सर के भतीजे हैं। तो मैं चाहूँगा ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी रहे हमारे दिल से उनके लिए दुआ निकलती रहेंगी। आपने बहुत प्यार से, मतलब आपने इतना प्यार करते हैं अनिल सर को, और आपने इतना इमोशनल भी कर दिया अर्जुन को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जो भी करें भविष्य में सब अच्छा ही हो, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ओह सर एक बात है, वैसे कमाल लग रहे हैं आप। कुछ नया सुनाओ यार, ये तो रोज लगते, मेरी तारीफ कर दो, नया होगा। ला फिर, कड़क है मुंडा जैसे 2000 का नोट होता है। कभी करता है रोमांस तो कभी फिलेंस को धोता है, छाया हुआ है इसका जलवा चारों दिशाओं में। अरे भैये तू हमारे दिल में 4G की तरह लोड होता है। अच्छा मैं अनिल सर के बारे में सब आप जानते हैं, अर्जुन के बारे में भी आप सब जानते हैं, रहन देते हैं फिर, क्या बात है। मुझे लगता है वो टीवी पे भी दिखाई देगी लोगों को। हाँ। मैंने ये एनर्जी आज तक महसूस नहीं किया और मैं 6 एपिसोड में आ चुका हूँ। ये जो आए हैं ये अनिल जाजू की एनर्जी है जो सबको जगा देती है, सबको एनर्जी दे देती है, बिकॉज ये एनर्जी मैंने आज तक महसूस नहीं की सेट पे। वेरी वेरी हैप्पी। चाचू बोला आपको? हाँ चाचू बोलना पड़ता है ना। हाँ यार ये क्या हो रहा है यार, सडनली मैं भी इमोशनल हो गया, ये भूल गया मुझे चाचू चाचू बोला। हेलो यू आर अर्जुन चाचू। हाँ देखा, एक दिन मैं शूटिंग में गया था, चाचू चाचू चाचू, ये समझ गए ये मेरा बुढ़ापा कंफर्म कराएगा, अर्जुन चाचू। वो दिन था और आज का दिन है, आज तक मुझे अर्जुन चाचू बुलाते, मतलब
अपने हीरोइन के सामने अर्जुन चाचू कैसे हो, मतलब वही रेप्यूटेशन बर्बाद। भाई भाई की मारता सुना था, चाचा ने भतीजे की मारता देखी। अच्छा आप अर्जुन सही कह रहे हैं कि मतलब सर की एनर्जी इतनी है कि अनिल सर और लैंडलाइन एक ही टाइम पे लॉन्च हुए थे, तो अभी धीरे धीरे करके मोबाइल आ गए, पेजर सब निकल गए, अनिल सर वहीं के वहीं खड़े। सर 38 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे आई थिंक, और आज 38 साल बाद आप 35 साल के हो गए। तो सर उस समय तो जिम वगैरह भी नहीं होते थे। इतनी जल्दी तो वकार यूनुस की एज भी कम नहीं हुई। तो सर आप इतने फिट शुरू से ही कैसे रहते, मतलब आप हीरोइन से भागते थे कि हीरोइन के पीछे भागते थे क्या? हीरोइन से भागता था। सो स्वीट। नहीं नहीं, ये अपने बीवी के डर से भागते थे। मैं एक्चुअली पूछने वाला था क्योंकि सर की एक घड़ी आई थी, घड़ी आई थी कह रहा हूँ, सर की एक फिल्म आई थी ना मिस्टर इंडिया। सिद्धू पाजी ये देखिए एनर्जी अनिल कपूर की कि कपिल शर्मा अपने जोक के पहले खुद ही हंस दिया है। ये तो है। और देखिए आप अर्जुन की साजिश भी देखिए आप। हाँ। क्योंकि पता है ये जिस भी फिल्म में काम करते हैं ना, इस सामने वाले को खा जाते हैं। तो ये आपकी स्कीम थी अर्जुन की, आप दो डबल रोल करके दोनों तरफ से चाचू को घेर रहे हैं। स्कीम मेरी थी भैया। आपकी स्कीम थी? हाँ, मेरी स्कीम थी। क्या मैंने तो काफी फिल्मों में डबल रोल किया जी, किशन कन्हैया, युद्ध, एक फिल्म शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बुलंदी। जी बुलंदी, बिल्कुल सर पता है। किसी ने देखी थी सर? बिल्कुल। क्या बात कर, बुलंदी भी देखी? वो रजनीकांत साहब के लिए देखी होगी। He was fantastic in the film। तो मैंने बोला इतनी सारी तीन फिल्मों में तो मैं डबल रोल कर चुका हूँ। मैंने अनीस साहब ने सोचा कि इस फिल्म में इनको डबल रोल दे देते हैं, और वैसे ही इनकी पिछली फिल्म रिलीज हुई थी हाफ गर्लफ्रेंड, तो इस तरह हमने कॉम्पनसेट कर दिया, इनको दो दो हीरोइन दे दिए इस फिल्म में। सो स्वीट, ये सैक्रिफाइस है। ये सैक्रिफाइस नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड में तो मैं फिर भी श्रद्धा कपूर के साथ था, इस बार अनिल कपूर के साथ काम करना था। तो एक अर्जुन था अनिल के लिए और एक अर्जुन था सिर्फ कपूरों के लिए, तो दो दो थे, इसीलिए ताकि इनके साथ रह पाऊं, खड़े हो पाऊं। बहुत मुश्किल है इनके साथ, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता कुछ दिनों में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपने इतनी तारीफ नहीं की तो मैं थोड़ी आपकी कर देता हूँ। बोल दो सर। अच्छा चाचा भतीजा का ये जो प्यार है, ये बॉन्ड है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो सर ऐसा कभी हुआ अर्जुन को वैसे रियल लाइफ में कभी लड़की पसंद आई हो और आपके साथ इसने शेयर किया हो, कि अभी तक आपके किसे नहीं खत्म हो रहे? अभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, अभी 4 दिन पहले की बात है। मुझे इन्होंने बताया कि ये बचपन में इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी और डॉक्टर डॉक्टर खेला करते थे और कैसे गर्लफ्रेंड बनाई। भगवान खुद कंफ्यूज है। ये भगवान का ही सवाल है एक्चुअली। वो कह रहे थे कि दिल धड़कने दो में आप प्रियंका चोपड़ा के पापा बने हैं। यस। थोड़ी देर बाद वेलकम बैक आई, फिर आप मजनू भाई जकास। वो कह रहे हैं कि आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कि मतलब एक तो होता है ना कि आदमी कहता है मैं करेक्टर रोल करूंगा, अभी मैंने ये उम्र का रोल किया, उसके बाद मेरे ऐसे ही रोल करूंगा। पर सर में ये क्वालिटी है, ऊपर वाले का कर्म है, ये जब चाहे किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगली फिल्म में हो सकता है दीपिका पादुकोण के साथ हीरो आ जाए फिर। सर इन सब बातों का बिल्डअप इसलिए मैं कर रहा था कि आज अनिल कपूर ऐसे हैं, तो जब कॉलेज में थे तो सर देखिए अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वैसे ही कन्फेस कर लेना चाहिए, कितनी गर्लफ्रेंड थी सर आपकी? ओ क्या बताएं सर, क्यों कॉलेज की याद दिला रहे हैं, सच्ची बोल रहा हूँ। क्या होता था, मैं रेस्टोरेंट में जाता था जी, ठीक है ना, तो रेस्टोरेंट में जाता था और मैं बैठता था और एक गर्लफ्रेंड साथ में बैठी रहती थी, दूसरी सामने बैठी रहती थी, तो एक का हाथ पकड़ता था ऐसे, हाथ पकड़ता था जी, और दूसरों को दूसरी की मतलब हाथ पैर दोनों चलते थे, हॉकी और फुटबॉल दोनों। एब्सोल्युटली। तो दोनों खुश। उसके बाद मेरा जो जन्मदिन होता है वो 24 दिसंबर को होता है। अच्छा जी। 24 दिसंबर इज क्रिसमस ईव, पूरी दुनिया में क्रिसमस की पार्टी होती है, तो मैं कभी जिंदगी में मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन है जी, तो एक गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगा 24 दिसंबर को तो मैं फंस जाऊंगा जी। तो सब गर्लफ्रेंड्स को ये बोलता था कि क्रिसमस पार्टी है आ जाना, तो सारी पहुंच जाती थी। तो किसी को किसी एड्रेस डाल करता था, किसी के पास चला जाता था, क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करता रहता था, क्योंकि अगर मैंने बोलूं कि 24 को सिर्फ बर्थडे है,
तो फिर एक को एक ही साथ ही जाना पड़ेगा. ये सारे मैं नुस्खे दे रहा हूँ, सारे जो यंगस्टर्स हैं अर्जुन के जो फैंस हैं उनको मैं बता रहा हूँ. अच्छा फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं सोनी पिक्चर्स के साथ वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर मुराद भी यहाँ पे हैं. मुराद भाई कैसे हैं आप? मुराद भाई एक बात बताइए. जी बाजी, दोनों चाचा भतीजे को ऐसे साइन करना है एक फिल्म में, कोई डिस्काउंट दिया इन्होंने आपको? नहीं सर, प्रीमियम लगा था. पहली बार साथ में काम कर रहे हैं. उल्टा ज्यादा लिए? हाँ. ज्यादा लिए सर, पहली बार साथ में आ रहे थे. अच्छा अच्छा, हाँ. चलिए, पर जो भी है जोड़ी तो कमाल की है सर, और आपकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और थैंक यू बाजी, थैंक यू. तो पसंद भी बहुत कर रहे हैं. थैंक यू बाजी, थैंक यू. कुछ पब्लिक के सवाल हैं एक्चुअली. अब तो बैठ सकते हैं. अब तो बैठ सकते हैं जी, प्लीज आइए आइए सर. ये थक गया है, इसको बैठा. एसी कम है क्या? एसी? अरे एसी कम है तो निकाल देते ना. अरे क्या बात है, इसको चाहिए जैकेट. तार 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 तार. अरे माइक है, माइक है, माइक है, माइक है. कोई बात नहीं, माइक मेरे पास है. हेलो 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 हेलो. माइक कभी नहीं छोड़ता है. माइक और जो कैमरा होता है वो फ्रेम में हमेशा रहता हूँ, घुस जाता. अब आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि पिक्चर हमने कैसे बनाई. आइए सर, आइए सर, फाइनली बैठ जाते हैं. आइए सर. महबूब भाई माइक फिक्स कर दो मनु सर का. अरे हो गया फिक्स. अरे अरे ठीक है सर, माइंड ब्लोइंग लग रहा हो ये सारा. कमाल का लग रहा होगा ना, कैसा लग रहा? चलो ये बैठ जाते, चलो बैठ जाते. कहाँ बैठे? नहीं इधर, इधर इधर. आप दोनों जगह बैठ जाओ, पहले इधर भी बैठ जाओ, इधर भी जहाँ बैठ आप. अच्छा पहले आप. नहीं जूनियर फर्स्ट, पहले आप. अच्छा ठीक. अरे सर कोई बात नहीं, आपके आपके लिए मतलब इतना बैठने की मतलब टेंशन नहीं है. कोई बीच में कोई खूबसूरत गेस्ट बुलाते हैं आप. अच्छा अब वक्त है आपको एक खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड लड़की से मिलवाने का जो अर्जुन के साथ मुबारका में है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम इलियाना डी क्रूज. जोरदार तालियां इलियाना के लिए. कपिल आपने एक चीज नोटिस की? जी सर मैंने कर ली सर. हाँ देख ली ना, इलियाना सबसे पहले गले किससे लगी? सर मैं समझ गया सर. समझ गया ना, मेरे से मिली बाद में अर्जुन से. करेक्ट ना? मैंने बोला ना, बोल गया मैंने जो बोलना था. भाई भाई की मारता है गलत है, चाचा भतीजे की मारता है एकदम सही है. क्या इलियाना? हाँ जी. यहाँ आना, वहां मत जाना. और बताना क्या चल रहा है बाकी सब घर पे? फर्स्ट क्लास. ऐसे लाइंस है यार. नहीं मेरे मेरे पास कपिल शर्मा जितना टैलेंट होता तो मैं भी कर रहा होता ना. इसलिए तो अनीस बजमी की जरूरत पड़ती है. पर बहुत अच्छी लग रही हैं आप. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. आपके व्हाइट शूज इतने चमक रहे हैं आज. ये तो मैंने हर एपिसोड में पहने होते. डैम वेरी नाइस. अरे तुम पिक्चर में मेरे ऑपोजिट हो यार. हाँ, तो पिक्चर में एक्टिंग करनी पड़ती ना, अभी थोड़ी एक्टिंग करना है मुझे. इलियाना के लिए जोरदार तालियां. महफिल में रौनक आ गई है. आइए प्लीज. इलियाना की पहली फिल्म जो थी बर्फी रणबीर कपूर के साथ, दूसरी फिल्म शाहिद कपूर के साथ, तीसरी फिल्म मैं तेरा हीरो में एकता कपूर, इस फिल्म में अर्जुन कपूर, अनिल कपूर. क्या कपूर कपूर आपकी लाइफ में कपूर भरे पड़े हैं. बहुत. आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे कपूर इंडस्ट्री में आई हैं? व्हाट डू यू थिंक? और इस शो में आप नवजोत सिद्धू के लिए आएंगे कपिल कपूर? मैं भी कपूर. दो कपूर बैठे हो, तीसरा अपने आप कपूर हो जाता है. इस फिल्म मैंने अनिल कपूर के लिए किया है. Okay. दूसरी शायद आपके साथ करूंगी, आपके लिए. दूसरी करनी है ना तुमको, तो पहली भी मेरे लिए किए बोलो. दो दो है ना आप इसलिए. ये ना चिंता मत कर, 20-25 फिल्में हैं. चाचू वेलकम के प्रमोशन नहीं, मजनू भाई बन गए बीच में. आया 20-25. चलो फ्रेंकली स्पीकिंग, ज्यादा मजा किसके साथ आता है बैठ के बातें करने में? अथिया के साथ. हाँ ये आंसर करेक्ट है, ये मुझे चलेगा. यार बहुत मिस कर रही हूँ. She wanted to be here, यार. She really missed. आय आय सॉरी ये तो पापा तुम. आय आय आय. मेरी बड़ी तमन्ना थी हमारे स्कूल कॉलेज में कभी ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ हो.
मारे नहीं मारे हमेशा अगर को फील मैं चले हट मतलब सीरियसली मैंने मतलब मुंबई आए हैं ये मतलब तो हमें मौका मिला सौभाग्य मिला हमारी क्लासमेट मेरी तमन्ना ही रह गई ऐसी होगी हमारी क्लासमेट ऐसी थी कल का लेक्चर पढ़ा तुमने ऐसे कौन लड़कियां करती हैं मतलब सीरियसली पाजी आपने नहीं देखा अरे मैंने भी देखा है अच्छा या इनको अपना बचपन याद आ गया आज पहले मैं बहुत मोटा बहुत परेशान था तो मुझसे भी ऐसी और के